मेरी तरफ से सबको नमस्कार। माता, आज की इस विदाई सभा में आदरणीय आबद बुखारी साहब, जिन्होंने यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहिष्ट सिटेशन हाउस ऑफिसर के रूप में अपने फराइज अंजाम दिए, इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल समाप्त होने पर इनको यहां से कार्य स्थान का परिवर्तन किया गया, इनका ट्रांसफर हुआ। हमारी दुआ है कि कामयाबी इनको कदम कदमों को झूमे। इसी उपलक्ष्य में यहां के सीनियर सिटीजन कौंसिल ने यह आज की टी पार्टी का आयोजन किया है, एहतमाम किया है। यह साफ दर्शाता है कि सीनियर सिटीजन कौंसिल को बुखारी साहब के प्रति कितना सहानुभूति, कितनी हमदर्दियां जुड़ी हुई हैं। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ के वातावरण को, यहाँ के भाईचारा को, यहाँ के हर काम को मर्सीफुल से हल करने के लिए बड़ी कोशिश की है। इसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने अपने जो छाप छोड़ी है यहां पे सीनियर सिटीजन के दिलों पे छाप छोड़ी है, उन दिलों में अभी उमंग है और दुआ भी करते हैं कि वो फिर जल्दी प्रमोशन का यूनिफॉर्म पहनकर एक प्रमोशन की डिग्री लेकर फिर हमारे किश्तवाड़ में आए। इसके लिए हम दुआ करते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे साथ श्रीमान आबजी बुखारी बैठे हैं, श्रीमान एसएसपी किश्तवाड़, श्रीमान सीनियर सिटीजन के चेयरमैन देव साहब और हमारे प्रधान रोशनलाल जी परिहार आपके समक्ष बैठे हैं, इनको मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस छोटी सी की पार्टी को यहाँ अपने यानी मुनासिब समझा कि वो यहाँ पर हम लोगों के सामने आए। बाकी जहाँ तक बुखारी साहब का ताल्लुक है, जो शराब उन्होंने की शुरुआत में डाली है तो बस बढ़ानी है। कोई भी मसला हो, अभी डीलिंग इनकी ऐसी अच्छी है, कोई भी तबका क्यों ना हो, तो हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सबके साथ उन्होंने एक साथ सलूक किया है, एक साथ हर एक के साथ एक जैसा सलूक किया है, जैसे एक ही माँ के सब देखे हैं। हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं और हर शोबे में, हर पहलू में आगे आगे होते थे, हमेशा होते थे, इनका हम कभी बोलने से पहले आंखी मुझे पता नहीं ये क्या समझेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो वर्दी है, एसपी हो, डीजी हो, डीआईजी, बड़े से बड़े ओहदे पर हो, इनका जो मजहब है, धर्म जो है, सबसे पहले इनकी वर्दी है, वर्दी इनका सब कुछ है, क्योंकि वर्दी इनकी पहचान है और वर्दी से ही ये सबको अपना समझते हैं, क्योंकि वर्दी ऐसी चीज है जो भी इनकी तरफ देखता है वो उसकी यानी बहुत मुतासिर होते हैं, इसकी वर्दी की पहचान है। तो हम जो इन्होंने यहाँ छाप छोड़ी है, लोगों के साथ जो तावन दिया है, हर शोबे में
जहां भी कोई भी धार्मिक फंक्शन हो तो हमारे मुसलमान भाइयों का, हिंदू भाइयों का, किसी का भी अग्रसर होते थे। और अपने दौर में हमारे जो SSP यहां पर है, यह सराहनीय बात है कि इनके दौर कार्यकाल में किसी किस्म की भी यानी रद्दी भर कोई कोताही नहीं हुई। हर फंक्शन में, जो भी कोई फंक्शन हो, हमारा हो या दूसरे हमारे भाइयों का हो, कभी भी इन्होंने अपने जो इनका इन्होंने अपने काम जिम्मा लिया है इस वर्दी का, कभी भी इन्होंने कोताही नहीं की। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। जो इन्होंने यहाँ काम किए हैं लोगों के साथ, इनका जो तालमेल रखा, या जो ये इन्होंने यहाँ पर हर साल ये थाना दिवस करते थे, हर तबके के लोगों से इनको इनका मेल मिलाप होता था, क्योंकि भाईचारा की ऐसी चीज है जो हम सबको इकट्ठा करते हैं। मगर बहुत बेहतरीन दूर अपना गुजार कर पूरा करके मुकम्मल करके हमारे भिखारी साहब यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद बदल खुद सीनियर सिटीजन का एक बुनियादी रुकन हूँ। उसके बावजूद भी मैं कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी डेपुटेशन में नहीं गया, ना ही ये मुझे बिल्कुल ही नहीं जानते। अलबत्ता मैं इन्हें जानता हूँ और लोगों के जबान से भारी साहब क्या कर रहे हैं, उनका उनके कैसे कारनामे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बेहतरीन कार्यकर्ती है। और बार बार जहन में आता था, आधा बरस दूर से ही डंडा लेकर होते थे जगह जगह, जैसे कि जिक्र इसका हो चुका है। एक सिपाही की तरह एक ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पंजाब में उसकी कदर देखनी चाहिए क्या होता है ऐसे जो। तो पूरा निष्ठा, अपनी पूरी पूर्ण निष्ठा से, लगन से इस महकमे की खिदमत करती है। और यही एक पुलिस ऑफिसर की पहचान भी होनी चाहिए कि अपनी वर्दी का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए हर किसी शख्स का ध्यान रखे, और खास करके गरीबों का, जिनकी पहुंच नहीं है उन तक भी पहुंच। अभी तो है, जो रोज रेपुटेशन लेकर जाएंगे इनके सलूट मारेंगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो अवाम, आम अवाम है, उनकी रसाई इन तक होनी चाहिए, और ऐसे ऑफिसर उसमें कामयाब दिखते। तो मैं इन्हें दिल की गहराई से यानी यहां से विदाई देता हूं। और भाई साहब के लिए एक शेर दुआ करता हूँ। फिर शेर तो फिर नौजवानों के लिए जो इन्होंने किया है, तो वो फिर थोड़ा इजाजत हो तो। SSP साहब ने भी और इन्होंने भी, पुलिस डिपार्टमेंट ने नुमाया काम किया है। अभी हमारे भुचाल साहब ने बहुत बेहतरीन इसका जिक्र किया। तो इसी जमन में मैं नौजवानों के लिए, यहाँ हमारे किश्तवाड़ में क्या हो रहा था, क्या कौन सी बीमारी बीच में आई थी, और उसी सिलसिले में उसको दूर करने के लिए इन्होंने कितना काम किया, कितनी जदोजहद की, उस जमन में मैं आपसे थोड़ा सा अजीज़ों के लिए, अफसोसीदे तो सभी सीनियर सिटीजन हैं, अजीज़ों के लिए था ये आह्वान। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो, अब आप बुजुर्गों हो तो अजीज़ों के लिए है। अजीजो तुम ये क्या किए जा रहे हो, ये किस रास्ते पर चले जा रहे हो। हिमालय जो था हिंद का पासबाँ, अब हिमालय जो था हिंद का पासबाँ,
जला कर इसे आग बरसा रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। धुआं ही धुआं हर तरफ है फिजा में, धुआं ही धुआं हर तरफ है फिजा में, ये आलूदगी है जो फैला रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। शराब शबाब नशे के बस में, शराब व शबाब व नशे के बस में गलत कार हो खुद को बहला रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। ये कुदरत की नाराजगी मोल लेकर, ये कुदरत की नाराजगी मोल लेकर जरा सोच लो किस तरफ जा रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। अगर करते हो खुद ही माहौल गंदा, अगर ये आह्वान बच्चों तक पहुंचना चाहिए। मैं अपने इंस्टीट्यूशन में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस वक्त भी, इसलिए मैं इनसे भेंट नहीं कर पाया कहीं डेपुटेशन में। तो उस नाते अपने इंस्टीट्यूशन में भी, कॉलेजेस में भी, अभी डिग्री कॉलेज में हमारा एक होने जा रहा है प्रोग्राम, बुक रिलीज फंक्शन, मेरी 2-3 किताबें वहाँ शाया हो रही हैं, यानी उनका अजरा हो रहा है। तो उस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना अफसोस है कि भारी साहब बाहर निकल गए, क्या SSP साहब तो इधर ही हैं, शुक्र है। Yes, definitely. ये कुदरत की नाराजगी मोल लेकर जरा सोच लो किस तरफ जा रहे हो। अगर करते हो खुद ही माहौल गंदा तो किस पे इल्जाम लगवा रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। ये कैसा तुम्हारा है मयार धोरा, डबल स्टैंडर्ड, डबल माइंडेड, ये कैसा तुम्हारा है मयार धोरा, नई नस्ल को क्या ये पढ़ा रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। कुछ अर्ज है कोई अपने अंदर भीतर, मैंने झांका देखा है उस बाजार की हालत में। गली नालियां गंदगी के ठिकाने, गली नालियां गंदगी के ठिकाने, घरों को मगर खूब चमका रहे हो। अजीजो ये तुम क्या किए जा रहे हो। निराला जमाना है खुदगर्ज इसमें, निराला जमाना है खुदगर्ज इसमें, ये क्या साज छेड़ा ये क्या गा रहे हो। अजीजो तुम क्या किए जा रहे हो, ये किस रास्ते पर चले जा रहे हो। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया भारी साहब, आज के मेहमान खसूसी श्री SSP साहब, सीनियर सिटीजन के चेयरमैन, इस सीनियर सिटीजनशिप के प्रेसिडेंट साहब, जो मेरे टीचर भी रह चुके हैं श्री कृष्णलाल जी और श्री स्वामीराज जी, और मेरे साथी सीनियर सिटीजन साथी, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने SHO साहब को विदाई पार्टी देने के लिए। जब मैंने इनको पहली बार देखे कि डायरेक्टली हमारा इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है कभी, तो जब मैंने इनको पहली बार दूर से कहीं देखा तो मैं इनकी पर्सनल, इनकी हाइट को देखकर बहुत मुतासर हो गया। उसके बाद जब इनके काम मैंने देखे यहाँ पे, कभी कॉलेज में SSP साहब के साथ में कॉलेज में कोई डिबेट करवानी बच्चों को किसी ड्रग्स के बारे में, या और कोई जो इस हमारे समाज में बुरी आदतें हैं उनके बारे में जब कोई डिबेट्स वगैरह होती थी, तो मैं इनके सब व्हाट्सएप के देखता था। तो मैं फिर कायल हो गया, और इस तरह से ये फाइट का सिर्फ वो नहीं था, एक पर्सनैलिटी मेरे, इनके पर्सनैलिटी जो है मेरे दिमाग में वो है पहले। तो जो काम इन्होंने किया है यहाँ के समाज के लिए, देखिए ऐसा होता है कि जो ये बैंड फोर्सेस होती हैं, इनको तो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि बाहर से एक जो नारियल होता है उसकी तरह सख्त रहना पड़ता है और अंदर से सॉफ्ट होना पड़ता है। जो
हमारे पास जो जो जिन जिन एलिमेंट्स के साथ उनको डील करना पड़ता है वो बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, तो बुरों के साथ तो फिर बुरा ही बनना पड़ता है, लेकिन जो अच्छे होते हैं उनके साथ में इनका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूं कि ये यहां से दूसरी जगह पर जो ट्रांसफर हुए हैं वहां पे भी ये बरकरार रखें अपनी ये जो कोशिशें हैं अपना जो काम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आदमी की जो पहचान होती है पद के ऊपर तो होती है, किस पद पे होता है वो किस पोजीशन पे होता है वो ठीक है, लेकिन उस पद पे रह के अच्छा काम जो आदमी करे वो उसको चार चांद लग जाता है। तो ये काम उन्होंने किया है, हम दुआ करते हैं कि जहां पे भी जाएं वहां पे भी इसी तरह से काम करें और अपने लिए एक बड़ी सी लकीर खरीदें बनाएं खींचें और इस तरह से, और साथ में हम दुआ करते हैं कि ये सेहतमंद रहें खुश रहें इनके परिवार जो है ठीक ठाक रहे। इन्हीं अखबारों के साथ मुझे थैंक यू। मेरे साथी सीनियर सिटीजंस, आज के दिन हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं जना प्रकारी साहब को न्यूज़पेपर एक छोटे से तीन पार्टी का अरेंजमेंट हुआ है, इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो कुछ भी हमें कहना था मेरे साथियों ने सब सब कुछ बारी बारी से कह दिया, फिर भी मैं अपने तासरा जरूर होगा जना बाबा साहब के साथ जैसे कोई उनका बड़ा पद है, जब भी हम ये देखते सभी काम कामों को देखते तो दूर से सलाम करते थे, हम उनका उसके लिए शुक्रिया करते हैं। तो उनके काम के बारे में क्या रहे हर एक हमेशा हम उनको हर जगह जहाँ में कोई प्रोजेक्ट हो जहाँ में कोई फंक्शन हो ब्लैक बोर्ड में बच्चे खेलते हैं उनके साथ खुशी सुनने के साथ उनके साथ पेश आना किसी फंक्शन में जो धार्मिक जुलूस होते थे उनमें पेश पेश होना किसी के साथ बड़ी कलाकी न करना बल्कि बड़े प्यार से उनको सागर को जो भी ऐसा वहाँ कोई एलिमेंट उनको बड़े प्यार से उनको समझाना कि इनके पर्सनैलिटी का काम है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहते नहीं, एयरपोर्ट बात करूँगा ड्रग्स अबोज के बारे में जो उन्होंने काम किया यहाँ वो सराहनीय है, बहुत बहुत मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी ये जाए ये अपने काम को इसी तरह से संजाम देंगे। हमारे दुआ है वो भले पूरे इनके पहले खुदा इनको तंदुरुस्ती दे। एसएसपी साहब और आज के खसूसी मेहमान भुखारी साहब और हमारे सीनियर सिटीजन के चेयरमैन खुर्शीद साहब और बाकी मेरे दीगर साथी रेस्पेक्टिव सीनियर सिटीजन, आज हम इस बात से सभी वाकिफ हैं कि आज हम भुखारी साहब की अलविदाई तकरीर के लिए हम यहाँ जमा हुए और यहाँ खुशी और गमे का मिलाप है और इस वक्त गुजरी हुई यादें दिल और दिमाग के साथ जुस्तजू कर रही हैं। मैं इनकी थोड़ा सा शख्सियत के बारे में बात करूंगा। ये शुगुफ्ता मिजाज आला किरदार और शानासी दिल रखने वाले हुसन व इखलाक शख्सियत के मालिक, ये न तारुफ के मोहताज है न तारीफ, इनकी शख्सियत खुद ही एक लामिसाल जवाब है।
बाकी इनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि जिससे ये मिलते हैं तो पहले ही फुर्सत में आपने दाम मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इनके एक बहुत जबरदस्त खूबी है। मोहतरम जनाब एसएसपी साहब, हमारे सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट कहते प्रेसिडेंट मैं कहूँगा रोशनलाल जी, मोहतरम रोशनलाल जी, यहाँ आए हुए मेरे साथियों बुजुर्गों, मेरी तरफ से आप सबको आदाब सलाम। यहाँ जो मेरे बुजुर्ग और दोस्त बैठे हैं ये बहुत अच्छे अच्छे ओहदों से, बहुत अच्छे अच्छे ओहदों से सर्विस करके आए हैं। बेशक इस वक्त हम क्वांटिटी में कम हैं, लेकिन हमारी जो है क्रीम है, यहाँ बैठी हुई किश्तवाड़ की, इनका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि मोहतरम बुखारी साहब कितने हरदिल अजीज SHO यहाँ रहे हैं। मोहतरम मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और मुझे मौका मिला है, मैंने मुख्तलिफ पुलिस रैंक के बड़े अफसरों के साथ काम का मौका मिला है, लेकिन मैं एक चीज़ बड़े वसूख से कहूँगा कि बहुत कम पुलिस ऑफिसर ऐसे इंतज़ामिया में मिलेंगे जो हालात और मामलात पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और अपनी सलाहियतें बरोए कार लाकर लोगों के दिलों में एक जगह बना लेते हैं अपने काम से। तो बुखारी साहब के बारे में भी हमारा यही ख्याल है कि उन्होंने यहाँ के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखी, आम और बबूल में उन्होंने फर्क दिखाया लोगों को, जो जिस काबिल था उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया। ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी एक ऑफिसर में होनी चाहिए कि वो एक मासूम आदमी में और एक मुजरिम में फर्क जरूर दिखाए, वरना ट्रांसफर के बाद वही आदमी याद नहीं करता है। सिर्फ अच्छाइयाँ जब रहती हैं उस आदमी की उस माशरे में, उन अच्छाइयों को याद करते हैं लोग।